गाइस वेलकम बैक, दिस इज़ मोहम्मद तजम्मुल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले मैं सेटअप को डाउनलोड करता हूं, तो सबसे पहले आपने anaconda.com लिखना है अपने फेवरेट ब्राउज़र पे और उसके बाद इंटर को हिट कर देना है। जब आपके पास ये इन्वायरमेंट आ जाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा जिसमें इंडिविजुअल एडिटर्स होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा जो कि विंडो के लिए है हमारे पास। तो आप इसको मैक के लिए या आप यूनिक्स के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास विंडो इंस्टॉल्ड है, सो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ओके, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकें। तो जितनी देर में हमारे पास सेटअप डाउनलोड होता है मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ एंड देन मैं कंटिन्यू करूँगा जब ये हमारे पास सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। थैंक यू। ओके गाइस, मेरे पास जो सेटअप है ये इंस्टॉल हो चुका है, यू कैन सी, सॉरी, सेटअप डाउनलोड हो चुका है मेरे पास। अब हम इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ शो इन फोल्डर और यहाँ पे ये मेरे पास सेटअप है जो कि मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और हम इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। मैं बाकी जो टैब्स हैं इनको मिनिमाइज़ कर देता हूँ देखो कि हम इसको देख सकें। तो मेरे पास यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, सेटअप लोड हो रहा है, तो हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपके पास ये विंडो ओपन होगी जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये टर्म्स हैं कुछ, आपने एग्री करना है इनके साथ, ठीक है, आई एग्री, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऑल यूज़र जस्ट मी, आप ऑल यूज़र कर दें, मतलब कि इसको कोई इशू नहीं है, या जस्ट मी मतलब कि रिकमेंडेड है, चलें आप अगर सेल्फ के लिए कर रहे हैं तो आप जस्ट मी रखें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर ये डिफ़ॉल्ट आपके पास लोकेशन आ जाएगी जहाँ पे एनाकोंडा इंस्टॉल होगा। यू हैव टू रिक्वायर्ड जो स्पेस है 2.9 GB है, ठीक है, स्पेस अवेलेबल जो आपके पास सिस्टम्स में होगी वो भी साथ में शो हो जाएगी। तो ये मतलब रिक्वायर्ड है। आप उसके बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास ये आगे एक आपके पास विंडो नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऑलरेडी, सॉरी, आपके पास है तो इसको आप क्लिक कर दें। इसको अगर ना भी क्लिक करें तो खैर है, आप इसको चेक बॉक्स को ऐसे ही रहने दें, आप जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी आपके पास, इट मे टेक सम टाइम बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फाइल्स विच आर गोइंग टू इंस्टॉल। तो आई थिंक सो मुझे वीडियो को पॉज कर देना चाहिए उतनी देर के लिए जितनी देर यहाँ पे इंस्टॉलेशन डन हो रही है, इट मे टेक सम टाइम। सो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जैसे इंस्टॉलेशन ये स्टेप कंप्लीट होगा आई विल रिज्यूम दैट। ओके, वेलकम बैक। थैंकफुली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे सेटअप वॉज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आएगी, अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और देन ये एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिटर ट्यूटोरियल्स वगैरह इसको अनचेक कर दें बेशक आप, और उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है, राइट। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो दैट मीन आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद आप चेक करेंगे, यहाँ पर एनाकोंडा लिखेंगे तो आपके पास एनाकोंडा नेविगेटर आ जाएगा और उसके बाद प्रॉम्प्ट आ जाएगा। आप प्रॉम्प्ट के साथ एक दफ़ा थोड़ा हम कुछ ट्राई कर लेते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे मतलब कि ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने पाइथन लिखा, तो यहाँ पे इसका वर्जन आ गया है जो कि हमारे पास 3.8.8 है, ठीक है। दैट मीन हमारे पास एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है। हम डिफरेंट लाइब्रेरीज वगैरह वन बाई वन इंस्टॉल करेंगे, लेकिन यहाँ तक एक दफ़ा आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन पुट एनी कमेंट इफ़ यू हैव एनी इश्यू इन इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा। थैंक यू सो मच।